छोटी मिनी हार्वेस्टर ये देखिए चालू हो गई है। ये छोटी मिनी हार्वेस्टर है और ये गेहूँ काट रही है आज। जय श्री राम दोस्तों, अब स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेती किसानी पर। आज हम जो आए हैं इस खेत पर जो गेहूँ खड़े हैं और ये किसान नए गेहूँ लाया है जो इन्होंने एक मतलब 40 किलो गेहूँ के 40,000 रुपये दिए हैं, मतलब 1,000 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ खरीद कर लाए हैं और इनको खेत पर बोए हैं। तो ये गेहूँ भी आपको दिखाते हैं, इतने महंगे क्यों हुए ये गेहूँ और क्या इसका नाम है, तो ये भी आप पूछते हैं किसान से। और हार्वेस्टिंग का काम भी चल रहा है और ये गेहूँ की कटाई भी हो रही है, तो पूछते हैं भैया से कि कौन से गेहूँ है ये और इतना इसका भाव क्यों है और इसका उत्पादन क्या आता है। जो प्लाट देख रहे हैं आप, ये गेहूं का खेत है और ये 1650 के नाम से बता रहे हैं, इसका नाम गेहूं का 1650 गेहूं है ये। और गेहूं की बालियाँ भी बहुत अच्छी है, इसमें बड़ी बड़ी दिख रही है ये, और बेजड़ भी नहीं है इसमें, कुछ गेहूं के नहीं दिख रहे हैं, गेहूँ प्योर है। तो ये देखिए दोस्तों, ये गेहूँ का प्लाट और ये 1650 के नाम से नया गेहूं आया है। अभी इसमें उत्पादन पूछते हैं भैया से। जय श्री राम भैया जी। जय श्री राम भैया। कौन सा गेहूं लगाया आपने? अच्छा, तो क्या उत्पादन आ रहा है इसका? इसका अभी तो मौसम के हिसाब से 12-13 का आ रहा है। अभी अगर क्लाइमेट अच्छा होता इस साल भी तो ये मान के चलो कि 18 के लगभग, 16-18 के लगभग आता। और ये दूसरे गेहूँ क्या निकल रहे? दूसरे गेहूँ भी बस 10-11 के लगभग। क्या भाव का गेहूँ है? 80,000 रुपए क्विंटल का। 80,000 रुपए क्विंटल? हाँ, बीज आया है, मतलब बीज लाया है किसान। बीज लाए और उन्होंने बोया है, तो ये मंडी में तो यही बिकता होगा ना? मंडी तो यही नॉर्मली गेहूं के साथ, अभी ये बीज में जाएगा मान के चलो 15,000 रुपए। ये बीज में बिकेगा? बीज में बिकेगा। तो ये दूसरे गेहूँ से जल्दी आता है कि लेट आता है? नहीं, टाइमिंग पे आता है, गेहूँ के साथ में आता है। लोकवन का मान के चलो, पूर्णा का मान के, पूर्णा के साथ में। तो उत्पादन भी अच्छा है इसका ना? उत्पादन अच्छा है, बहुत बढ़िया गेहूँ। और कहाँ से लाया था ये बीज? ये गेहूँ रिश्तेदार से लिया था। अच्छा, रिश्तेदार से? उन्होंने अगले साल ला के लगाया था। पहले रिश्तेदार ने फसाया था वो धोली मुसली, मालूम है? हाँ, पता है ना? पता है, रिश्तेदार में ही फसाया था। सही है, एक दूसरे ले। अब ये गेहूँ फसा ही है। अब किसान है, किसान को किसानी के हिसाब से चलना पड़ता है ना। नहीं, उत्पादन अगर इसका अच्छा आता तो नहीं आता है ऐसा नहीं है, पर इस बार तो आपको भी पता है कि गेहूं का क्या क्लाइमेट रहा। सब अच्छे से अच्छा गेहूं, आप तेजस का लेके चलो, आप 14-13 से कम नहीं आ रहा, जबकि तेजस अगले साल आया था 18-20 का मान के चलो आप। वो है, ये मशीन क्या हो गया इसमें? ये तो थोड़ा चन्ना वन्ना साफ कर रहे हैं। अच्छा, उसी भर गई है थोड़ी इसमें। तो ये मशीन तो दूसरी दिख रही है आपकी, नहीं दिख रही? ये अपनी है, छोटी वाली। एक और ली गया? हाँ, एक और ली ना। अच्छा, दो हो गए आपके पास? दो हो गए। तो ये छोटी है ना? हाँ, छोटी है, मिनी। कितना आता है उसका? 21 क्विंटल का। तो ये मतलब कम लेती होगी थोड़ा? हाँ, कम लेती है, उसके बाद कटता भी कम है। डीजल भी कम लेती हूँ? हाँ, डीजल भी कम लेती है। छोटी मिनी हार्वेस्टर, ठीक है साहब, धन्यवाद आपका। जी, राम राम। चल रही है थ्रेसर हार्वेस्टर, पीछे भूसा उड़ रहा है। काका, ये चल रहा है, देखो दोस्तों, मिनी हार्वेस्टर चल रही है छोटी। ये तेजस गेहूं की कटिंग हो रही है यहाँ पर, तेजस गेहूं जो इस साल 15-16 क्विंटल निकल रहे हैं, जो दूसरे गेहूं कम निकल रहे हैं, पर ये तेजस का उत्पादन ठीक है। ये तेजस गेहूं देख रहे हैं आप, 15 क्विंटल निकल रहे हैं और इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है आज।